आज यहाँ इंदौर में एक सभा हुई श्रम शिविर में, और इस सभा में बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग आए थे। ये ईपीएस 95 के रिटायर्ड कर्मचारी है। पूरे देश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 70 लाख है, और जो आज की तारीख में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ईपीएफओ को, ईपीएस 95 के लोग, उनकी संख्या 6 करोड़ है। मैं कमांडर अशोक राउत राष्ट्रीय संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आज इंदौर में हमने सभा की। लोगों में बहुत उत्साह है। 1 अगस्त से हम क्रमिक अनशन शुरू करने जा रहे हैं ईपीएफओ के ऑफिस के सामने, और 7 तारीख तक वो अनशन को हम आमरण अनशन में तब्दील करेंगे। 8 तारीख को रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, और हमारी मांगे हम लेके रहेंगे। हमने प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया है, और हम चाहते हैं कि वो आश्वासन पूरे हो, क्योंकि सिस्टम बहुत सुस्त है। प्रधानमंत्री ने हमें आशीर्वाद दिए जरूर, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, हम चाहते हैं वो जागे और हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी करें। इसके लिए आमरण अनशन को लोग बैठने को तैयार है। हमने कई आंदोलन किए, सैकड़ों आंदोलन किए, 6 साल से संघर्ष चल रहा है, लेकिन हमें पेंशन के नाम पे 1171 रुपये एवरेज मिलती है पूरे हिंदुस्तान में, जबकि इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है। अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला ये एक ही समाज है ईपीएस 95 का, उसी को पेंशन नहीं, बाकी मंत्रियों को पेंशन, एमएलए एमपीज को पेंशन, दिल्ली का कंट्रीब्यूशन नहीं, पुलिस के कुत्तों को पेंशन, थर्ड जेंडर को पेंशन, सबको पेंशन है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया। और जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है उनको पेंशन नहीं, ये कहाँ का न्याय है? क्या हमारे देश के बुजुर्ग का रखरखाव ख्याल हम ऐसा करेंगे? ये हमारे लिए शर्म की बात है, मेरे लिए शर्म की बात है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि जिनका हक है उनको नहीं दे रहे। आज तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए इनके पेंशन फंड में जमा है। हर साल 90,000 करोड़ आता है, ब्याज के 60,000 करोड़ आते हैं, और इतना पैसा आने के बाद में जब कोई पैसा मांगता है, पेंशन मांगता है, तो 1995 से लेके अब तक इन्होंने सिर्फ 86,000 करोड़ पेंशन में बांटा है। तो जितना एक साल में आता है उतना तो 25 साल में दे रहे हैं आप, ये कौन सा न्याय है? इसके खिलाफ पूरी जनता, हम बुजुर्ग खड़े रहेंगे कि देश हमारा है, पैसा हमारा है, हम हिसाब लेंगे। इतना ही कहता हूँ। जय हिंद।